तो कैसे हो मेरे अजीज़ पतंगबाजों। आज हम बनाने वाले हैं चार तवा, और आप लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया है कि ब्राउन कलर का बनाने वाला हूँ और उस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन डालने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास ब्राउन कलर के चार कागज़ हैं जिनका साइज़ एक ता है और ये स्क्वेयर शेप में है। तो ऑलरेडी ये स्क्वेयर में है, तो इनको चारों को मैं आपस में जोड़ लूँगा ऊपर नीचे और साइडों पे, यानी चार स्क्वेयर टाइप का मैं बना लूँगा। फिर उसको मैं काटूँगा साथ साथ। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। तो अब वीडियो को मैंने तेज़ कर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि कैसे आप लोगों ने बनाना है। इस तरीके से आप लोगों ने ईंटें लेके उनको रख लेना है। उसके साथ ये होगा कि आप लोगों का जो जोड़ है ना वो ठीक से लग जाएगा, इक्वल लगेगा। ठीक है, फिर वही नॉर्मल तरीका जैसे मेरी आम वीडियो में होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसको फोल्ड करके दो तरफ, जैसे मैंने आपको फोल्ड करके अभी दिखाया, वैसे फोल्ड करके आप लोगों ने इसकी नॉर्मल कटिंग करनी है और ऊपर से कट कर देना है और साइडों से गुलाई कर देनी है। जैसा कि आप लोगों ने, अभी मैं इसके जो तीले हैं वो रेडी करूँगा, दरमियान वाला तीला और साइडों वाला तीला। मेरे पास जो कमान है इसकी वो छोटी है, वो 2.5 तावे की है, जिसका साइज़ 66 होता है इंचेस, तो वो छोटा होगा। तो मैं उसको भी जोड़ लगाऊंगा। दरमियान वाला तीला तो ठीक है, इसको मैं ठीक करके तो ऐसे लगा दूंगा। जो गोल तीला है उसको मैं साइडों से तकरीबन 4-4 इंच का लगाऊंगा जोड़। जो दरमियान में होगा वो 2.5 तावा होगा पूरा, तो साइडों में 4-4 इंच छोड़ के उसको मैं जोड़ लगाऊंगा ताकि मेरा चार तवा कंप्लीट हो सके। साइज़ आप देख सकते हैं इसका 50 इंचज़ है दरमियान वाला, और जो साइडों पे मैं जोड़ लगाऊंगा गोल कमान की वो होगी तकरीबन 4 इंच बाहर की तरफ, 4-4.5 इंच होगी तकरीबन। मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने 4 इंच तक लगाई थी इसके जोड़ दोनों तरफ, 8 इंच हो जाएगा टोटल। तो इसको मैं जोड़ लगा लूँगा साइडों पे, क्योंकि मेरी कमान छोटी है 2.5 तवे की, तो ये जोड़ लगा के ही इस पे कंप्लीट पूरी फिट आएगी। तो इसको मैं साथ साथ जोड़ लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दो। उससे क्या होगा, आपके भाई की वीडियो थोड़ी रैंक हो जाएगी, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो यार भाई को भी। आपका भाई आप लोगों के लिए इतनी मज़े मज़े की वीडियोस लेके आता है, इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स लेके आता है जो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, जिसमें मेहनत भी तो होती है ना। तो आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा काइट तकरीबन, उसकी कमान रेडी हो चुकी है। अब हम लगाएंगे, अभी कमान हम लगा रहे हैं। इसको कमान लगाने के बाद हम इसको धागा लगाएंगे। धागा लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का काइट जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगा, जो ढीलापन होता है ऊपर नीचे वो ढीलापन नहीं रहेगा, उससे वो ढीलापन निकल जाता है। धागा लगाने का ये फ़ायदा होता है और कुडा स्ट्रोंग भी हो जाता है। अगर आप लोगों को धागा नहीं लगाना आता पहले, तो आप लोग धागा लगाने की कोशिश करो, आप लोग सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर तो नहीं आप लोगों से धागा ठीक लगता तो आप टेप लगा सकते हैं, स्कॉच टेप जिसे हम शीशा टेप भी बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। वो लगाएं एकदम एज पे, थोड़ा सा टाइट करके, थोड़ा सा फुल खोल के उसको, एज टू एज उसको खोल के उसके ऊपर लगाते हैं, वो भी धागे का ही काम करती है। पर मेरी तो यही राय है कि आप लोग धागा ही लगाओ, धागा क्योंकि अच्छा होता है और फोल्ड हो जाता है उसके अंदर। और आप अगर आपका काइट एक तरफ जाता है तो आप उसको कन्नी भी बांध सकते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए, तो धागा अच्छा है। मेरी तो यही राय है कि आप धागा ही लगाओ। ठीक है, तो इसके बाद मैं
पान लगाऊंगा और डिज़ाइन डालूंगा और आप लोगों को इसकी फ्लाइट दिखाऊंगा। तो जाना कहीं नहीं है, आप लोगों ने इस वीडियो को सारे कंप्लीट देखना है कि मैं इसको बना के उड़ाऊंगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये काइट होने वाली है और इसको बहुत दूर लेके जाऊंगा मैं। तो प्यारे दोस्तों, ब्राउन कलर के ऊपर वाइट कलर और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन रखूंगा, उसका डिज़ाइन डालूंगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन। आप लोग भी देख सकते हो इस वीडियो में। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला था कि यार अपने अपने एरिया के हिसाब से आप लोग काइट उड़ाया करो, ठीक है। सेफ काइट फ्लाइंग किया करो, वहाँ काइट फ्लाइंग करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स ना हो, ठीक है। रोड्स पे ज़्यादातर ये नुकसान होते हैं, और अगर आप रोड के साइड में रहते हैं तो वहाँ काइट ना उड़ाया करें। पंजाब साइड में ज़्यादा पाबंदी है काइट फ्लाइंग की, तो आप लोग वहाँ पे, अगर आप लोगों के घर के पास कोई रोड है तो वहाँ उस तरफ अगर हवा होगी तो किसी का नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से काइट उठाया करो। काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं सिर्फ़ आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता हूँ, काइट बनाता हूँ, अच्छे से आप लोगों को गाइड करता हूँ कैसे बनाते हैं काइट, और उसको आप लोगों ने देखना है। मैं उड़ाता हूँ, उड़ा के उतार के रख लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी डेंजरस काम नहीं करता कि मेरा काइट उड़े, मैं किसी के साथ पेच लगाऊं फिर मेरा गुड्डा कट जाए, वो कहाँ जाए, किसका नुकसान करे, हमें कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो अक्सर मैं गुड्डा उड़ा के रख लेता हूँ, ठीक है। वो पड़ा पड़ा फट जाए या क्या हो जाए, उसको मुझे कोई टेंशन नहीं है उसकी। सिर्फ मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता हूँ, और आप लोग भी अप्रिशिएट करते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। मेरी बात को गौर से आप लोगों ने अमल करना है कि रोड की साइड को अगर हवा होगी तो आप लोग उस तरफ काइट नहीं उड़ाएंगे। कोशिश करें अपने गांव वगैरह में चले जाएं, खुली फील्ड्स हो वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके अपने दोस्तों को इनवाइट करें कि आओ यार यहाँ पे हम काइट फ्लाइंग करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वहाँ पे कोई डेंजरस नहीं है। अगर आपका काइट कट भी जाएगा तो उस फील्ड्स में गिर जाएगा, किसी को नुकसान भी नहीं करेगा, तो आप वो उड़ा भी सकते हो, दोबारा एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। समझ गए ना मेरी बात। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है, या उस एरिया में काइट फ्लाइंग करो जहाँ पे ये पाबंदी नहीं है, पुलिस वालों की कोई नहीं आके पकड़ता, ठीक है। उधर जाके आप लोग काइट फ्लाइंग किया करो, ठीक है। तो सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखें, अपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। तो अपना बहुत ही ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का सबका ख्याल रखना, ठीक है। मुझे भी अपनी दवाओं में याद रखना। मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अल्लाह हाफिज़।